مسافري ما غفان مثلب حبا ووفا وإلى المدينة هزنا شوق لقرب. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, ये देखें, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी मैं आया हूँ आप सब भाई बहनों को जो बाहर होते हैं और जो यानी अपने मुल्क से बाहर होते हैं प्रदेश में, उनको दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो गंदम है वो कैसे काटी जाती है, हाथ से कैसे काटी जाती है और हार्वेस्टर से। हार्वेस्टर तो अभी यहाँ नहीं है लेकिन जो ट्रैक्टर के आगे मशीन लगा कर वो काटते हैं ना, मैं वो आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और अभी चलता हूँ आपको दिखाता हूँ कि कितनी मेहनत का ये काम है, ठीक है? और इतनी गर्मी में गंदम की कटाई किस तरह होती है, आइए आपको दिखाऊँ। ये देखो, ये इन्होंने सुबह आए हैं और इतनी ज़्यादा इन्होंने काट ली है। इस तरफ से ये शुरू हुए हैं और इधर इसमें जेंट्स लेडीज़ दोनों जो हैं तो वो काटते हैं मिलकर। ये देखिए, छोटा बच्चा जो है वो इस तरह कैसे गंदम काट रहा है। बिल्कुल ये देखें, ये छोटा सा बच्चा जो है ये एक दिन में आधा एकड़ जो है वो काट लेता है और 1 लाख रुपया लेता है। ये इधर देख, जिस हिसाब से ये मेहनत है ना, बहुत ज़्यादा ये मुश्किल काम है। बस मजबूरी में लोगों को काटना पड़ता है तो गंदम कहाँ से लेंगे, इतनी महंगी गंदम है। ये आगे भी इन्होंने काटनी है और उस तरफ बाग की उस तरफ भी है। मैं आपको दिखाया है गंदम कटाई। ये उधर हमारे साथ पड़ोस में ही रहते हैं तो छोटी सी उन्होंने दुकान भी बनाई हुई है, उसमें बर्फ़ का गोला वगैरह और पापड़ बिस्किट वगैरह बेचते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ और आपको अब ट्रैक्टर से जो गाजी है, ये फीएट है, ये ज़्यादातर गाजी ट्रैक्टर जो है उससे कटाई करते हैं, बहुत ज़बरदस्त होती है। तो अभी आपको मैं वो दिखाता हूँ। इस तरफ ये देखें बाग है, अभी तो ये खाली है। ये देखें, ये ट्रैक्टर से कटी हुई सारी, ये एक साइड में लाइन में लगती जाएगी, बाद में इसको इकट्ठा करके मशीन में डाला जाता है। ये गाजी ट्रैक्टर है हॉलैंड का, तो इससे ही आप कटाई करेंगे। ये देखें, कटिंग हो रही है। तो अभी ये मशीनरी सारी निकाल दी है, ये देखें गाजी ट्रैक्टर का माल और साथ में मशीनरी का। ये देखें आगे से जगह भी इस तरह की होती है।
कोई देर लगी है? कोई देर नहीं लगी। अभी मैं चलता हूँ उस तरफ, जो मेरे दोस्त वहाँ से कटाई कर रहे हैं उनसे मिलकर जो है, तो थोड़ी देर में फिर हम आएंगे दोबारा, तो जो थ्रेशर लगी होगी फिर आपको गंदम दिखाएंगे, और थ्रेशर मशीन जिससे ये भूसा अलग हो जाएगा और गंदम के दाने अलग हो जाएंगे वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। सारा चट्ठा बना दिया गया गंदम का, ठीक है, इस तरफ सारी रखी गई गंदम। और अभी आपको दिखाते हैं, ये है गाजी ट्रैक्टर और ये है थ्रेशर, इस तरफ भूसा निकल रहा है और इधर से जो है ये गंदम डाली जा रही है। एक लड़का जो है इसमें सारा गंदम जो है पट्टी को डाल रहा है और आगे भूसा निकल रहा है, और उसके बैक साइड पर जो है गंदम के दाने निकल रहे हैं। अब माल ज़्यादा हुआ तो ट्रैक्टर की आवाज़ बैठ गई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बिल्कुल थ्रेशर के करीब क्यों नहीं गया, तो जिस तरफ ये गंदम के दाने की ढेरी लगी हुई थी ना, जहाँ पर वो निकाल रहे थे, उस तरफ हमारे उस्ताद बैठे थे, तो उन्होंने मुझे रोक लेना था और बस शर्म की वजह से मैं वहाँ नहीं गया। फिर वो सारा पूछते तो उनको बताना पड़ता सब कुछ, फिर इसलिए मैं आगे गया नहीं। उस्ताद मोहतरम बैठे थे, बस इस वजह से आगे नज़दीक नहीं जा सका, तो दूसरी साइड से मैंने वीडियो बनाई है और उनको नहीं पता चला। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखिए मेरे इतना बड़ा ये चट्ठा बनाया उन्होंने गंदम का, तो अभी मैं चलता हूँ, ठीक है, शॉप पर जाना है। और अगर मेरे चैनल पर नया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की खुशी नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।